राष्ट्रपति अंकल, हमारी मम्मी को माफ़ कर दीजिए। हमारी मम्मी ने 7 लोगों का खून किया है, वह क्षमा की पात्र नहीं है। लेकिन अब मैं अम्मी किसको कहूँगा। 12 वर्षीय ताज लिपट कर रोता है अपनी मम्मी शबनम के साथ। शबनम की क्षमादान याचिका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने अस्वीकार कर दिया है। डेथ वारंट पर जैसे ही जज साहब हस्ताक्षर करेंगे, शबनम और सलीम दोनों को फांसी दे दी जाएगी। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी महिला को फांसी देने की कार्यवाही होगी। आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व में इस बात की हलचल हो रही है। लोग अपने अपने तरह से इस पर व्याख्या कर रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं, लेकिन अब लगभग सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मामला 14 अप्रैल 2008 का है। अमरोहा की शबनम, जो एक अध्यापक की पुत्री थी, भरा पूरा परिवार था। शबनम का संबंध हो जाता है सलीम से। सलीम पढ़ा लिखा नहीं था, बताते हैं कि 5वीं कक्षा भी उत्तीर्ण नहीं था। इसे प्यार कहें अथवा वासना, इसे शारीरिक संबंधों का भोग कहें अथवा फिर पति के प्रति अगाध प्रेम, प्रेम और प्यार की परिभाषा में तो इसे दूर दूर तक कहीं से भी आच्छादित नहीं किया जा सकता। यह वासना है, और वासना यानी काम शक्ति को बुझाने का एक ऐसा भयानक तरीका शबनम और सलीम ने खोज निकाला जिसे सोच करके भी रूह कांप जाएगी। अब सवाल यह है कि इस घटना को लगभग 18 साल होने को हैं। तमाम सुनवाई हुई, निचली अदालत से लेकर के सेशन कोर्ट, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 100 से अधिक गवाही हुई, बयान हुए, और 650 लोगों से तरह तरह से जिरह किया गया। लेकिन सबके बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह लोग क्षमा के पात्र नहीं हैं। हुआ क्या? परिवार ने रोड़ा अटकाया। जाहिर सी बात है कि परिवार चाहता है कि बेटी के अनुसार पढ़ा लिखा सुयोग्य वर मिले। अब सलीम 5वीं फेल, और यह भूगोल तथा अंग्रेजी से इसने मास्टर डिग्री लिया था शबनम ने। शबनम तो बड़ा प्यारा नाम है, लेकिन शबनम ने जो किया उसे वह इतिहास के पन्नों में क्रूरता की पराकाष्ठा और वासना की आग बुझाने के लिए जो इंतकाम का तरीका अपनाया गया उसमें इसे लिखा जाएगा। और कोई शबनम इस तरह से पैदा ना हो। शबनम फूट फूट करके रोई है अपने बच्चे के साथ और कहा कि तुम पढ़ लिख करके अच्छे नागरिक बनो, मैं एक अच्छी माँ नहीं हो सकती हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, और हमारी छाया तुम्हारे पर न पड़े। ऐसे कह करके कुछ टाफी दिया और बच्चे से लिपट कर फूट फूट करके रोया। बच्चे ने भी गुहार लगाया, लेकिन अब माँ बाप दोनों का साया उसके ऊपर से उठेगा। घटना 18 साल पुरानी है, और सवाल इस बात का है कि अब इस घटना को रोकने के लिए कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लोग आएंगे। मैं आपसे भी कहता हूँ, क्या फांसी की जगह आजीवन कारावास देना चाहिए? क्या फांसी की सज़ा, मृत्युदंड की सज़ा को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को माफ़ करना चाहिए? ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य और एक केहर सिंह बनाम भारत संघ, ऐसे करके है। उसमें यह कहा गया है कि 3 महीने के अंदर क्षमादान याचिकाओं का निस्तारण हो जाना चाहिए, अन्यथा लोगों का विश्वास इससे उठेगा। जो जिस विषय पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि महामहिम राष्ट्रपति जो चाहें वह कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अधिष्ठित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं और अपना आदेश दे सकते हैं, किंतु यह शीघ्र इसका निष्कर्ष होना चाहिए और हमारे आदेश में वो छेड़छाड़ न करें, अपना आदेश वो दे सकते हैं। तो ऐसे था। अब जेल में बक्सर, बिहार के बक्सर में जेल की रस्सी बटी जा रही है। वहाँ गंगा का इलाका है, बताते हैं कि वहाँ जो रस्सी बनती है वह काफ़ी मजबूत होती है, धोखा नहीं देती है। और मथुरा में जो 150 साल पहले जेल बनाया गया था, जो फांसी घर बनाया गया था महिलाओं के लिए, उसका प्रयोग नहीं हुआ था, पहली बार उसका उद्घाटन होगा। सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। पवन जल्लाद, जो मेरठ के रहने वाले हैं, पवन
उन्होंने जाकर के स्थलीय निरीक्षण किया है, जाकर के फांसी घर को देखा है। काफ़ी जर्जर है वह घर, क्योंकि 150 साल पहले का बना है। अब अगर बनता तो 20 साल में ख़त्म हो जाता, चूँकि अंग्रेज़ों के समय का था इसलिए 150 साल तक चल गया। अब जैसे ही डेथ वारंट पर जज साहब हस्ताक्षर करेंगे, वैसे ही सलीम और शबनम को फांसी दे दी जाएगी। एक कई सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्या शबनम को जो सज़ा मिलनी चाहिए वो मिल गई है? शबनम ने बताते चलें, शबनम ने अपने माता पिता और एक 10 वर्षीय भतीजे सहित 7 लोगों को पहले तो उन्हें नींद की दवा दिया, बेहोशी की दवाएं दिया, और बाद में कुल्हाड़ी से काट डाला, एक एक को काटा, और फिर शोर मचाया। शोर मचाने के बाद गांव वाले पहुंचे, पुलिस पहुंची, पुलिस ने गुत्थी सुलझाने का प्रयास किया। शबनम ने यह कहा कि मेरी जान इसलिए बच गई कि लोग आए थे चोरी डकैती करने, हत्या करने, लूटपाट करने, सभी को मार डाला, मैं भाग करके बाथरूम में चली गई थी इसलिए हमारी जान बच गई। लेकिन पुलिस ने काल डिटेल्स निकाला और फिर सलीम से उनकी वार्ता का पोषण हुआ, तो यह हुआ कि दोनों ने मिल करके ऐसा अपराध किया है। शीघ्र ही शबनम टूट जाती है और ऐसा हुआ। सवाल नंबर एक, क्या किए की सज़ा उन्हें मिल गई है? नंबर दो, क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि इनके मृत्युदंड की सज़ा को, शबनम के मृत्युदंड की सज़ा, उसके 12 वर्षीय बेटे ताज को देखते हुए उन्हें आजीवन कारावास में परिवर्तित कर देना चाहिए? क्या महिला जान करके उन्हें क्षमा करना ठीक रहेगा? क्या यह नहीं लगता कि अब तक उसने प्रायश्चित कर लिया होगा और भावावेश में, काम की भावना में जल करके ऐसा किया होगा? क्या यह नहीं लगता कि अगर सचमुच प्यार तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर परिवार ने अवरोध पैदा किया होगा, इसके उस प्रेम में बाधा उत्पन्न किया होगा, ऐसे में ऐसा किया गया होगा? तो यह सब चीज़ें देखते हुए क्या मृत्युदंड देना उचित है अथवा आजीवन कारावास? क्षमा की बात तो मैं नहीं करता। आपके विचार विनम्रता के साथ YouTube चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय BBM वर्ल्ड पर विनम्रता के साथ सादर आमंत्रित किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, YouTube चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय पर आज शबनम और सलीम के फांसी की सज़ा पर, शीघ्र ही उन्हें फांसी हो जाएगी, आपके राय सादर आमंत्रित किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।